और ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में करीब 285 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। घायलों की मदद के लिए कई राज्यों की सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठन ने भी बढ़ चढ़कर मदद की है। और इसी दौरान रांची के समाजसेवी राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने अपने साथियों के साथ बालासोर जाकर घायलों के लिए रक्तदान किया है और रक्तदान करने वाले उत्तम यादव और उनके साथियों से बातचीत की है संवाददाता चंदन वर्मा ने। बालासोर में हुए रेल दुर्घटना सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना है क्योंकि इसमें तकरीबन 300 लोगों की जान गई और वहीं 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और घायल की स्थिति भी कई लोगों की गंभीर बनी हुई है स्थिति अब तक, और जिनके इलाज के लिए जो कहें मशीनरी चीज से के साथ साथ लोगों की सहानुभूति की भी ज़रूरत है क्योंकि जो इक्विपमेंट जो उनमें उनके इलाज में लगाए जाने हैं वो तो सरकार के द्वारा प्रयास किए ही जा रहे हैं, साथ ही आम लोगों के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। कोई कहें कि भोजन से सहयोग कर रहे हैं, कोई खून से सहयोग कर रहे हैं, यानी कहें कि रक्तदान कहा जाता है, रक्तदान महादान, उसे भी अपने रक्त को दान कर वहाँ जो घायल मरीज हैं उन्हें भी बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हमारे झारखंड के ही उत्तम यादव यानी कहें कि राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ हैं। ये अपने टीम के साथ गए थे उड़ीसा के बालासोर जहाँ रेल हादसा हुआ था, वहाँ पर आप जाकर इन्होंने रक्तदान किया है और घायलों को कहें कि बचाने की कोशिश की है क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई है कहीं ना कहीं लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा खून बहे हैं। हम सीधे उत्तम यादव से जानते हैं कि उत्तम जी आप वहाँ पे गए, क्या तस्वीर आपने वहाँ देखा? देखिए वहाँ का जो हालत है बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावना कि जब हम लोग रांची से 350 किलोमीटर चलकर जब बालासोर हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग रक्तदान किए, उसके बाद वहाँ पे जो घायल लोग हैं उन लोगों से हम लोग मुलाकात किए और हम लोग से जो एक छोटी सी प्रयास हो सकती जो मदद हो सकता मदद पहुँचाने के एक प्रयास किए। उसके बाद हम लोग चले गए वहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी में है घटनास्थल। घटनास्थल को पूरी तरह सील कर दिया गया है, वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं, ना मीडिया के लोगों को जाने की अनुमति है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जहाँ तक जाने का प्रयास किया वहाँ पहुँचे और वहाँ का जो दृश्य है बहुत ही डरावना, बहुत ही खतरनाक। और हम तो धन्यवाद देते हैं कि वहाँ का स्थानीय लोग कि सैकड़ों लोगों का जीवन काल में चला गया था, वो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के बदौलत उन सैकड़ों लोगों का जान बचा, सैकड़ों लोगों के घर में खुशियाँ वापस लाने का काम किया। वहाँ के लोगों का मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता है, वहाँ के स्थानीय लोगों से सीखना चाहिए। जो उन्होंने एकता का परिचय दिया है, जो चट्टानी एकता का परिचय दिया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वहाँ के सरकार ने भी हमने देखा कि वहाँ के लोगों से मैंने पूरा लगा हुआ, अभी भी बहुत संख्या में बड़ी संख्या में लोगों का बॉडी वहाँ पड़ा हुआ है। ये वक्त है मदद का, ना कि राजनीति का और ना ही अफसोस का, क्योंकि जितनी बड़ी ये दुर्घटना है उसमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि वहाँ मौजूद जो घायल हैं और जो दुखी परिवार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी जो थोड़ी बहुत भी सहायता हो सके तो ये मानव सेवा होगा और मानव सेवा से बड़ा सेवा कोई सेवा नहीं। सहयोगी संजय पांडे के साथ चंदन वर्मा, लाइव 7 रांची।